एक्सेल टेक दोस्तों, आज जैसे ही बाजार खुले एक्सेल टेक के स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास की बड़ी गिरावट दिखा रहा है। और मुझे आप कह सकते हैं कि क्वेरीज इतनी सारी मैसेजेस आई हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक से एक्सेल टेक में, आखिर एक्सेल टेक में क्या कोई ख़राब न्यूज़ आ गई है जिसके कारण आज अचानक से गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि कल ही एक काफ़ी पॉजिटिव कह सकते हैं आप रिपोर्ट निकल के आ रही थी जो कोलैबोरेशन कर रही है एक्सेल टेक, तो आज आखिर ऐसा क्या हो गया है? क्या ये आप कह सकते हैं सिर्फ एक कोई बड़ी ब्लॉक डील हुई है? क्या हुआ क्या है ऐसे में? तो दोस्तों मैंने कुछ कह सकते हैं आप कुछ रिसर्च की, कुछ ढूंढने की कोशिश की, तो US एनालिस्ट मीट में एक्सेल टेक ने कुछ बात कही है दोस्तों, और उसी का शायद तक ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इतना एग्रेसिव रिएक्शन आया है। और जो कल एक पॉजिटिव न्यूज़ थी वो भी अब आप कह सकते हैं धूमिल हो चुकी है, गायब हो चुकी है। तो बहुत छोटा सा वीडियो होगा इस एक क्वेरी को कह लीजिए एड्रेस करने के लिए, इतनी सुबह मैंने ये वीडियो बनाया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं एक्सेल टेक की। देखिए आपको पता होगा हर जगह एनालिस्ट मीट होती है, तो वैसे ही एक्सेल टेक US एनालिस्ट मीट कर रहा था, और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई जो फाइनेंशियल 23 है में जो हमारी ग्रोथ गाइडेंस है वो लोअर एंड ऑफ 13-14.5% के आसपास रहेगी। और जो आप उन्होंने कहा है कि ये जो हम ग्रोथ गाइडेंस इतनी कम दे रहे हैं, ये लोअर एंड में दे रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि जो मैक्रो है ना, जिस तरह से मैक्रो इकोनॉमी दिख रही है वो एक काफ़ी हद तक बड़ा चैलेंज कर रही है। और अगर मैं आपको कोट करूँ जो उन्होंने कहा है, वोलेटाइल मैक्रो एंड हायर फरलॉक्स इन द थर्ड क्वार्टर, ये जो तीसरा क्वार्टर आ रहा है उसमें हायर आप कह सकते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमी है, जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं मैक्रोस और जो हायर फरलॉक्स हैं, ये दो कारण हैं क्वार्टर थ्री में जो इनकी आप कह सकते हैं जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं होगी। और मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं कहीं से कुछ भी सरप्राइज नहीं हूँ। अगर आप मेरे IT में जब भी मैं वीडियोस बनाया हूँ मैंने एक ही बात कही है कि भाई देखिए बड़ी गिरावट हो गई, एक ऐसे वैल्यूएशन में स्टॉक आ जाता है जब खरीदने लायक बहुत अच्छा होता है वो स्टॉक, लेकिन अभी कोई ऐसी तस्वीर बदल नहीं गई है। जो चैलेंजेस हैं वो ऑलरेडी हैं, जो US फेड ने लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, इकॉनमी को टाइट किया है, आपको जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है आपको बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होने को देखने को मिलेगी, जो रिसेशन है वो कम, और जो रिसेशन है वो आता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सब बेच के निकल जाएं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्टॉक अगर भाग जाए 10-15% तो आप और एग्रेसिव होकर खरीदने लग जाएं, ऐसा नहीं है। अभी आप चीज़ों को समझिए कि एक कंपनी अगर बड़ी गिरावट दिखा दे और एक बहुत अच्छे वैल्यूएशन मिले तो वो एक्यूमुलेशन की हकदार होती है। अभी IT सेक्टर वाकई में दोस्तों एक बहुत फ्रेजाइल लाइन में चल रहा है, एज ए इन्वेस्टर आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सिर्फ बहुत तेज़ी आ जाती है, भारतीय बाज़ारों में लिक्विडिटी बहुत अच्छी है करके स्टॉक्स बहुत तेज भाग जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि फंडामेंटल चेंज हो गई है। जो चैलेंजेस हैं IT कंपनीज के लिए वो खत्मसमाप्त हो गए, तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। और एज ए इन्वेस्टर अगर एक्सेल टेक आज 5% टूटा है, और मुझे एक्सेल टेक जो लगता है दोस्तों वो अप्रॉक्सीमेटली 890-900 के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, और पिछली बार भी जो एक बड़ी रैली आनी शुरू हुई थी वो वहीं से आनी शुरू हुई थी। और एक्सेल टेक में कहीं से कोई फंडामेंटल कह सकते हैं आप चीज़ें चेंज नहीं हुई है, कोई सी बहुत ख़राब न्यूज़ नहीं आई है, एटलीस्ट जब तक मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। US एनालिस्ट मीट में कही जाने वाली बातें का ही रिएक्शन आपको आज इसके शेयर प्राइस में देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो एक दो दिन पहले एक्सेल टेक पे जो न्यूज़ आई थी कि भाई जो 5G सर्विसेज दोस्तों, ठीक है, 5G एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी है, उसके मद्देनज़र एक्सेल टेक ने दोस्तों दो कंपनीज इंटेल और मेविनर के साथ जो टाई अप किया है वो एक काफ़ी पॉजिटिव सिनेरियो था। लेकिन ये सब दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है, ये चीज़ें आने वाले कुछ सालों में बहुत अच्छी कह सकते हैं आप एक्सेल टेक को हेल्प करेंगे। लेकिन जो सडन रिएक्शन आपको ये बड़ी गिरावट देखने का मिल रहा है, रीज़न ये है US एनालिस्ट मीट में जो ग्रोथ गाइडेंस है उन्होंने जो कम किया है उसको लेकर के उन्होंने जो कॉशन जताया है। और ये मैं इसीलिए कहूँगा, एक अच्छी मैनेजमेंट की यही निशानी होती है दोस्तों, वो जो रियलिटी है जो सही है वो बात साफ साफ अपने एनालिस्टों के साथ वो शेयर करते हैं, भले ही उसका असर
उनके शेयर प्राइस में आज जिस तरह दिख रहा है, सीधा 5% की ज़्यादा की गिरावट हो रही है वो दिखा रहा हूँ। तो यदि आप HCLTech में निवेशित हैं, और डिस्क्लोजर के रूप में मैं आपको बता दूँ कि मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की जिनको मैं निवेश सलाह देता हूँ वो स्टॉक में निवेशित हो सकते हैं। अभी वो दोस्तों जब स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई थी, अच्छा खासा खरीदारी की, स्टॉक जब भागा मैंने एक पार्शियल प्रॉफिट बुक भी किया था इसमें, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा ट्रेडिंग स्टॉक होता है, कौन सा फंडामेंटल स्टॉक होता है लॉन्ग टर्म के लिए। स्टॉक गिरावट दिखाएगा बिटवीन 900-890, शायद मैं फिर एक्यूमुलेट करूँगा, लेकिन अभी एक चीज़ कि फंडामेंटली कुछ चीज़ें चेंजेस नहीं हुई हैं, चैलेंजेस अभी भी हैं। यूरोप एक बड़ा चैलेंज उभर के आएगा IT कंपनीज के लिए आने वाले कुछ समय में दोस्तों। और कल पुतिन ने जो कहा है कि भाई साहब हम अभी जाने वाले नहीं हैं यहाँ से, ये और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यूरोप के लिए। तो आने वाला साल जो फाइनेंशियल आपको नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है वो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा इस साल से। तो ये छोटी सी बात आपके साथ शेयर करनी थी, आपको अच्छी लगी हो, चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें और एक साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।